95 का ना हाँ, तो ये 20% ये काट लेगा, यानी 70 रुपये काट लेगा सर। इस वजह से अगर ऑफलाइन करेंगे तो पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिरोलो व्लॉग्स में। तो यार लास्ट नाइट मुझे नींद नहीं आई, मेरे फीवर हो रहा था, तो मैंने सोचा दवाई ववाई खा के टाइम से पढ़ाई वढ़ाई भी कर ली थी, सो जाऊँगा, बट बहुत सी बेचैनी सी हो रही थी। देन मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ गया, मैं पढ़ने लग गया था फिर, और अब ये सोई गया था। ये तो ये थका था यार पूरा दिन भर ये, क्योंकि मैं दिन में भी थोड़ा मैंने रेस्ट करा दवाई खा के, मुझे लगा दवाई खा के मुझे नींद आ जाएगी, बट नींद तो आई नहीं। ये अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बजने वाले बस, और 6 बज गया। मैं 11 बजे तक करीब सोई गया था, 11:30 बजे। फिर थोड़ी देर बाद मेरी अजीब सी बेचैनी से होने लगी, फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। देन अभी ये लोग सब सो रखे हैं, जहाँ अभी सोया है, और अंदर सौरभ सो रखे हैं अंदर, और मैं लाइट ऑन नहीं करता हूँ क्योंकि यार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यार नींद तो आ ही नहीं रही है, सोता हूँ अब थोड़ी देर, लाइब्रेरी भी निकलना है, थोड़ी 9-10 बजे करीब निकलूँगा लाइब्रेरी। तो एक बार पहुँच जाता हूँ यार, नीचे देखता हूँ कोई अगर चाय वाई अगर वाला खुला है तो चाय वाई पी के आता हूँ, कुछ देखता हूँ, जाता हूँ नीचे, जाता हूँ आ गया हूँ। बट यार यहाँ पे तो कोई भी दुकान नहीं खुली है, बस एक यहाँ पे दूध उतर रहा है, अमूल दूध का दूध उतर रहा है यहाँ पे, और देखता हूँ थोड़ा आगे पे अगर कोई चाय वाला मिलता है तो, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है यार, तो चाय वाय पी लेता हूँ अगर मिलता है तो। नीचे आया हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई भी दुकान नहीं खुली है यहाँ पे, बस सब अपने काम पे जा रहे हैं सब। ये है भाई असली दिल्ली, सुबह शाम बस मशीन की तरह काम करते रहो, दिस इज़ द रियल स्ट्रगल। ये है भाई असली स्ट्रगल। उत्तराखंड के जितने भाई लोग, पिथौरागढ़ के जितने भाई लोग देख रहे हैं, भाई तुम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तुम लोग सब दौड़ने के लिए निकल गए होगे, बट यहाँ सब मजदूरी के लिए निकल गए हैं अभी से, या इंडिया कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा है कोई, कोई कहीं जॉब, कोई सेल्स की जॉब कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, मतलब इतना हेक्टिक डे है इनका कि अभी निकलेंगे अब रात को आएंगे, ये मतलब फैमिली के लिए ना टाइम है ना, मतलब ना खुश हैं वो अपने जॉब से, बट कर रहे हैं, निकल गए हैं। और यहाँ देखो सब दुकानें वगैरह सब बंद है, और मुझे कोई भी यहाँ पे खुली हुई दुकान कोई नहीं मिल रही यहाँ पे, तो बस होप कि कोई खुली दुकान मिल जाए और मैं उधर साइड जाता हूँ। फाइनली एक चाय की दुकान काफ़ी मशक्कत के बाद मुझे मिल गई है, खुली है अभी यहाँ पे। तो गाइस मुझे यहाँ पे चाय मिली गई, फाइनली चाय ली मैंने एक, और एक बिस्किट लिया, चाय बिस्किट खाता हूँ शायद थोड़ा मतलब अच्छा लगे, क्योंकि थोड़ी भूख सी लगने लग गई थी यार, मुझे रात भर उठा था, तो फिर अब ये चाय और बिस्किट खाता हूँ। सो मैं चाय भी आ गया, तो थोड़ी बहुत नींद आ रही है यार, पेट भर गया और थोड़ी बहुत नींद आ रही है, तो मैं सो जाता हूँ। वही तुम्हारा काम याद ही होगा तुम्हें, बेल आइकन दबा के मुझे उठा देना यार, ये जो बेल आइकन है थोड़ी घंटी बजा देना, इससे मेरी नींद खुल जाती है। तो मैंने लाइब्रेरी भी जाना है, तो मुझे प्लीज़ 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 उठा देना, मैं जा रहा हूँ सोने। गाइस गुड मॉर्निंग वंस अगेन, गुड मॉर्निंग, सुबह सोया मैं अभी, दिन में उठाऊँ, गुड आफ्टरनून। सो मैं बिल्कुल नहा धो के तैयार था, घर से मम्मी का वीडियो कॉल आया था, और मम्मी ने बोला कि ये दाढ़ी वाड़ी काट ले क्या बन कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद अभी दाढ़ी काटते हैं, तब तक एक बार नाश्ता कर लेते हैं यार। नाश्ता भी आ चुका हमारा, अभी ने तो कर लिया नाश्ता, अब मैं करूँगा यहाँ पे नाश्ता। अभी तूने पूरा क्यों नहीं खाया भाई, अभी खाली दिखता है बट इसकी डाइट बहुत कम है यार वाकई में। देखो क्या है हमारे, आलू के पराठे और अचार, अच्छा है नाश्ता गाइस। बिल्कुल ना तो मैंने पहले लिया था, ये शेव वेव करके मैं तैयार हो गया, मैं जा रहा हूँ सीधा लाइब्रेरी, मम्मी का ऑर्डर था, भले मैं पिथौरा कर रहा हूँ या डेली रहूँ, अब यार मम्मी का ऑर्डर तो कैसे ही टाल सकता हूँ, तो फिर मैंने अभी शेव वगैरह कर लिया, मम्मी को वीडियो कॉल करी, ये देखो फिर मम्मी वही कहने लग गई कि चल ठीक है, वरना पहले तो कह रही थी ये बुक क्या जैसे के लिए बन रही है तो फिर अब मैंने शेव वेव कर लिया, अच्छा बिल्कुल मस्त लग रहा है ना तुम्हारा भाई सेक्सी। तो अभी जा रहा हूँ मैं लाइब्रेरी,
और अभय निकलेगा अभी शाम को निकलेगा, और सोया है वो अभी, सोए रहता है यार बिल्कुल दम में सो रहा है। तो फिर अभी देर में था थोड़ी पढ़ाई करी, और अभय का कॉल आ रहा है शायद वो निकलने वाला है थोड़ी देर में, तो उसको कॉल करके बुलाया। अब एक बार रूम पे जा रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा। कॉल तो ऐसे कर रहा था इसके यहाँ पूरा तैयार होगा, बट तैयार है ये अभय पूरा जाने को। बैग इसका पूरा बैक पैक तैयार है, ऑलमोस्ट जाने वाला है। निशास सा लग रहा है इसका, कब आएगा भाई अब चल लग नहीं तो मैं नहीं भैया, मैं घर में प्रण लेके आया था कि अब मैं घर जब वापस आऊँगा या तो नौकरी या तो छोकरी लेके आऊँगा, और उसमें से कुछ भी ना ले, खाली हाथ में कैसे जा सकता हूँ बताओ, नहीं जा सकता ना। सो जाएंगे बहुत जल्द, मन करेगा तो चले जाएंगे। तो अभी अब इसको सी ऑफ करते हैं, फिर तो थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ यार, बहुत थक गया हूँ। चल भी पहले गाड़ी को तो करे। तो देखो 114 रुपया 195। हाँ 195 दिखा रहा है। क्या हुआ? नहीं सोच रहा था 195 का साल काट कितना लेगा, तुम कितने बजे जोड़ रहा है? हाँ 195 का ना। हाँ तो ये 20% ये काट लेगा, यानी 70 रुपये काट लेगा सर। ऐसे सोच रहा था अगर ऑफलाइन करेगा तो पूरे पैसे में मिलेंगे, मतलब समझे? हाँ हाँ, मतलब राइड कैंसिल कर दूँ मैं। हाँ ठीक है, 195 लोगे आप? हाँ वैसे 195 दोगे तो 70 रुपया कंपनी काट लेगी। हाँ चलो मैं राइड कैंसिल कर देता हूँ। हाँ राइड कैंसिल कर दो उसको, ठीक है भैया। आप व्लॉग में भी आ रहे हो भैया कि वो राइड कैंसिल करता है, अब ये ऑफलाइन मोड से जाएगा, समझ लो बिज़नेस स्ट्रैटेजी। अब मैं यहाँ से राइड कैंसिल करता हूँ, भैया इसको उसी प्राइस में ले जाएंगे, बट ऑफलाइन राइड कैंसिल कर। यार 5 मिनट करके सोया था और इतना अंधेरा हो गया, सर घूम रहा है भी यार, बाहर अंधेरा हो गया। सो जाता वर्कआउट के लिए जाऊँगा, हो जाऊँगा थोड़ा रनिंग वनिंग ले जाऊँगा, बट बाहर देखो इतना अंधेरा हो गया, कब आग लग गई कब। अभी अब नींद खुली है और सर इतना फट रहा है मेरा, क्योंकि यार तबीयत ख़राब चल रही है, पता नहीं क्यों आ रही है इतनी वीकनेस टाइप की आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार क्या हो रहा है ये, पता नहीं ये मौसम शायद चेंज हो रहा है, ठंडा गर्म एक साथ लग गया इससे हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बट अजीब से आ रहा है, हो रहा है मतलब अजीब भी लग रहा है यार, बहुत अजीब। तो फिर ऐसे सो गया यार मैं, पता ही नहीं चला। फिर अभय का फ़ोन आया मुझे अभी, निकल गया हूँ मैं पिथौरागढ़ को, बस में बैठ गया हूँ, तो तब मेरी नींद खुली और टाइम देखा यहाँ तो 6:30 बज गया, 7:15 हो गया अब तो। शिट यार, बड़ा रिग्रेट होता है यार ऐसा जब होता है ना, हम सोचते हैं मतलब 2 मिनट के लिए सोएंगे उसके लिए सोएंगे, और बिस्तर में क्या मैं, और मेरे को इतनी भयंकर नींद आ गई क्योंकि दवाई चल रही है ना यार, दवाई खाई मैंने शायद उसका ही कुछ ऐसा असर रहा और मुझे इतनी नींद आ गई। अब खाना खाने के लिए जाऊँगा अभी थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर और लाइब्रेरी पढ़ाई वढ़ाई करूँगा, थोड़ी देर जाता हूँ अब थोड़ी देर बाद खाना वाना खाने के लिए। सो गाइस मैं जस्ट अभी लाइब्रेरी से आया और यहाँ थोड़ी पहले मैंने साफ़ सफाई करी, थोड़ा आज डस्टिंग नहीं हुई थी तो थोड़ा रूम की थोड़ी डस्टिंग करी अभी, क्योंकि कल मैंने सुबह नोएडा को निकलना है, दीदी के का फ्लैट उधर पर मेरी, तो मैंने सुबह सुबह कल नोएडा को निकलना है, थोड़ा काम है तो कल सुबह निकलना पड़ेगा नोएडा, तो आज मैं 10 बजे सो जा रहा हूँ। तो और तबीयत अभी भी मतलब उतनी सही नहीं हो पाई है, ठीक है बट उतना बेटर फील नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं कल सुबह, रेडी रहना सुबह 9 बजे तक, तो मैंने वहाँ नोएडा पहुँचना है, तो रेडी रहना सुबह, मुझे कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, और फिर ये लास्ट में बेल आइकन दबा के सुबह मुझे उठा देना प्लीज़ यार, लेट नहीं होना चाहिए मैं तुम्हारी वजह से, आजकल मैं रोज़ सुबह उठ जा रहा हूँ, तो सुबह मैंने नोएडा निकलना है, चलते हैं कल सुबह।
नोएडा, तब तक के लिए मच लव।